धमाकेदार टेस्ट वाला बेहद लजीज स्ट्रीट स्टाइल डायनामाइट चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी आज बनाते हैं। बहुत ही मजेदार चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो लॉलीपॉप ले लिया है मैंने यहाँ पर आधा किलो। इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें पहले डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। विनेगर ऐड कर लेते हैं इसमें एक बड़ा चम्मच भरकर। सोया सॉस डाल देंगे एक चम्मच। एक चम्मच डाल देते हैं काली मिर्चों का पाउडर। तीखेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर दो चम्मच भरकर। इसे तीखापन तो आ जाएगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। एक अंडा डाल लेते हैं इसमें। लॉलीपॉप की कोटिंग के लिए डालेंगे चार बड़े चम्मच भरकर मैदा और दो बड़े चम्मच भरकर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं, एक चम्मच भरकर नमक ठीक रहेगा इसमें। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और लॉलीपॉप्स पे अच्छी सी कोटिंग भी आ जाए। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो चिकन लॉलीपॉप्स को रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो जाए इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे और एक एक करके ये चिकन लॉलीपॉप्स को यहाँ पर डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे अलट पलट करते हुए। बस लास्ट में फ्लेम को हाई कर लेंगे और दो मिनट के लिए चिकन को हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इससे बाहर की कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी और तेल भी ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं होगा। लॉलीपॉप्स को निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर और अब बनाते हैं इसके लिए चटपटा सॉस। इसके लिए तीन बड़े चम्मच भरकर लेंगे टमाटो सॉस। दो बड़े चम्मच भरकर डाल लेते हैं चिली सॉस। इसकी जगह पर आप चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। एक चौथाई कप ऐड करेंगे मेयोनीज। आधा चम्मच डालेंगे ओरिगैनो। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसकी जगह पर आप पैप्रिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन। इसकी जगह पर आप लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच चीनी डालेंगे ताकि सॉसेस का खट्टापन बैलेंस हो जाए। थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये चटपटे सॉस को हम डाल लेते हैं चिकन लॉलीपॉप्स पर। सॉस के साथ ही डालेंगे थोड़े से बारीक चॉप किए हुए हरी प्याज के पत्ते। अब ये सॉस को लॉलीपॉप्स पर अच्छी तरह से कोट कर देते हैं। लॉलीपॉप्स पर एल्युमिनियम फॉइल लगाकर सर्व कर लेंगे ताकि इसे खाने में आसानी हो। ये चिकन स्टार्टर को सर्व करने के लिए आपको कोई चटनी सॉस की जरूरत नहीं है, बस सैलेड के साथ इसे सर्व कर लीजिए।